योग के बारे में मैं आगे की जानकारी दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि वायु, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, और पांच ही इसमें कोष हैं। पांच कोषों को भी हमें हटाना पड़ता है। इंद्रियों का विषय है, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके विषयों को भी हमें हटाना पड़ता है। जब तक हम इन वृत्तियों को नहीं हटाते हैं, तब तक हमें ब्रह्म के दर्शन नहीं होते हैं। ब्रह्म के दर्शन करने के लिए तो हमें गौर साधना करनी पड़ती है, यत्नोभ्यास सतत, यत्नोभ्यास हमें सतत लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमारे साधना का फल हमें प्राप्त होता है। हमें जो है ये शरीर है, ये इस शरीर में मेरुदंड है, ये पीछे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरुदंड है। इस मेरुदंड में 36 जो है कशेरुकाय कहते हैं, वो उन 33 है, उन 33 में कहते हैं देवता भी बसते हैं। इसलिए हमें जो है, और इसके अंदर जो है ये 3 नाड़ियाँ हैं, प्रमुख 3 नाड़ियाँ हैं। वाम भाग में ईड़ा नाड़ी, दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी, और इसके बीचों बीच में सुषुम्ना है, और उस सुषुम्ना के अंदर भी एक नाड़ी है जिसे चित्रा नाड़ी कहते हैं, उसके अंदर एक और नाड़ी है जिसे वज्रा नाड़ी कहते हैं, और उसके अंदर जो एक नाड़ी और है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये ब्रह्म नाड़ी के अंदर ही जो है वो, ये ब्रह्म नाड़ी के अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो ऊर्जा जाकर के षट चक्रों का भेदन करते हुए इस सहस्रार में जाकर के भगवान परम शिव से उसका मिलन होता है। ये जो है, और नीचे जो कंध है हमारे, ये जो मेरुदंड है इसके नीचे एक कुंद है, उस कंध के अंदर जो है दाहिनी तरफ जो है धमनियां निकलती है, उसमें रक्त का प्रभाव होता है, और बाएं भाग की तरफ इसमें और सिराएं निकलती है, उसमें वीर का प्रवाह होता है, और नीचे उस कंध के नीचे 10 नाड़ियां और ऊपर 10 नाड़ियां, ये है, इनके अंदर जो है वायु का प्रवाह होता है, लेकिन अरबों खरबों नाड़ियां हैं, 69,000, यूँ तो 72,000 नसनाड़ी कहते हैं, लेकिन 69,000 नसनाड़ियाँ शाखाएँ प्रशाखाएँ हैं, उससे हमारे सब शरीर में रक्त, वीर्य, वायु संचालित होता है, प्रवाहित होता है, उससे हमारे शरीर का आधार है। तो ये शक्ति पुंज जो है वो है हमारे, ये शरीर है, इसके मेरुदंड के नीचे जो है शक्ति प्रवाह है, शक्ति पुंज है। हमारे योगेश्वर इस शक्ति पुंज को जो है ऊपर चढ़ाते हैं, वो शक्ति पुंज की प्रक्रिया है योग शास्त्र के अंदर, बहुत से योग शास्त्र है, कुंडलोपनिषद, ब्रह्मो वशिष्ठोपनिषद और कई कई प्रकार के शास्त्र हैं जो अब लुप्त हो गए हैं। तंत्र शास्त्र, ये तंत्र शास्त्र में विद्या तांत्रिक विद्या है जिसमें शिव शक्ति का सम्मिलन होता है। आजकल ये हमारे प्राचीन हजारों ग्रंथ थे वो विलुप्त हो गए, लेकिन वुड्रप नाम के एक विद्वान थे कलकत्ता के अंदर, न्यायाधीश, उन्होंने सब ग्रंथ तंत्र शास्त्रों को इकट्ठा किया और विद्वानों को बिठा करके उन्होंने उसके आध्यात्मिक तत्व इकट्ठे किए, योग विद्या के तत्व इकट्ठे किए और उनका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैक्स मूलर भी हुए, उन्होंने वेदों के अंदर जितने भी योग विद्याएं हैं उन सब का संकलन किया और उनका अध्ययन किया और उनका अंग्रेजी में विद्वान किया। एक तेसोथ्योरी नाम का विद्वान हुआ है जो इटली का था, उसने भी योग विद्या के जो है ताड़पत्र जिसे कहते, पहले ये सब ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे, उनका इकट्ठा किया और फिर उनका जो है प्रचार प्रसार किया। तो सब जो शक्तिपुंज है, इस शक्तिपुंज को जगाना पड़ता है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये ऊर्जा ऊपर 3 नाड़ियों से ऊपर प्रवेश करती, वाम वाड़ी जिसे हम जो है ईड़ा कहते, ये तो चंद्र नाड़ी भी कहलाती, दक्षिण नाड़ी जिसे पिंगला कहते, ये सूर्य नाड़ी भी कहलाती, और इनके अंदर जो है
इसमें शीतल और इसमें पिंगला में गर्म जो है वायु प्रवाहित होती है, ये नाड़ियों का प्रवाह है। यूँ 10 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। आगे जो है अब मैं आपको कल इसका आगे का वर्णन बताऊंगा, उसे जो है मूलाधार से लेकर के, कल मैं मूलाधार का वर्णन करूंगा। उस मूलाधार में पहला जो पद्म है उसका, कुंडली जागरण का पहला पद्म है वह है मूलाधार। कुंडली जागरण का मतलब जब पदम पद आगे बढ़ती है, कुंडली जागरण आगे चढ़ती है, ऊर्जस्वित होती है, तब जो है ये पहला चरण उसका मूलाधार है। इस मूला दूसरा चक्र इसका स्वाधिष्ठान है, तीसरा चक्र इसका मणिपुर है, चौथा चक्र इसका अनाहत है, पांचवा चक्र इसका विशुद्ध है, छठा चक्र इसका आज्ञा चक्र है, और सातवा चक्र शेष है। इसमें जाकर के शिव से मिलन करती है। इसकी प्रक्रिया का पहला पदम, पहला चक्र, प्रथम चक्र का वर्णन मैं कल करूँगा, उसे आप ध्यानपूर्वक समझ।